रविस्टर प्रभाष ने मोस्ट सक्सेसफुल पैन इंडियन सुपरस्टार है और आदि पुरुष की बात उनका हाथों में काई बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। दोस्तों प्रभाष का कामी फिल्मों के बारे में जानने के लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन सालार, और ये होगा श्योर शॉट प्रभाष का कैरियर में बिगेस्ट कमबैक फिल्म। सालार जिसको डेट करी है प्रशांत नील ने और इसमें प्रभाष के साथ है श्रुति हसन, जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन। और सालार फिल्म का बजट रखा गई है 400 करोड़ और ये होगा गैंगस्टर यूनिवर्स का एक हिस्सा जहां पर पहले आई KGF और अभी बारी है सालार का। और ये फिल्म फुल्ली डार्क थीम पर बेस्ड होगा और इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहली बार के लिए इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगा। सालार यानी कि KGF का बाप इज कमिंग, क्योंकि खुद डायरेक्टर ने कहा है कि सालार कैरेक्टर मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर है। यानी कि श्योर शॉट रविस्टर प्रभाष के कैरियर में और एक 1000 करोड़ का फिल्म इज कमिंग। और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 28 सितंबर इसी साल 2023 पे होगा रिलीज। नंबर टू प्रोजेक्ट के, ये अपकमिंग साईफाई फिल्म है जिसको डेट करी है महांती का डायरेक्टर नाग अश्विन ने और इसमें रविस्टर प्रभाष के साथ है दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और अमिताभ जी। और रिसेंट रिपोर्ट्स का माने तो फिर प्रोजेक्ट के पे विलेन के एफ्टर में देखने को मिलेगा यूनिवर्सल स्टार कमाल हसन को। हाँ दोस्तों, यानी कि प्रभास वर्सेस कमाल हसन का जो फेस ऑफ सीन होगा अनडाउटली वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और फिल्म का बजट रखा गई है 600 करोड़, यानी कि आदि पुरुष की तरह प्रोजेक्ट के का बजट भी काफ़ी हाई है। और इसका स्टोरी टाइम मशीन पर बेस्ड होगा और जहाँ पर फिल्म को टोटल 2 पार्ट में रिलीज की जाएगा, यानी कि बाहुबली की तरह Part 1 और Part 2 में रिलीज होगा प्रोजेक्ट के। और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल के साथ ही साथ इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज होगा 12 जनवरी 2024 में। नंबर 3 राजा डेलुक्स, ये अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है, यानी कि फर्स्ट टाइम प्रभास ने अपने कैरियर में इस तरह का जॉनर को लेकर काम करेगा जिसको डेट करने वाले हैं मारुति ने, जिन्होंने इससे पहले प्रातिरोजु पंडागे जैसे फिल्में दिया है। और इसमें प्रभास के साथ है 3 एक्ट्रेस निधि अग्रवाल, मालविका मोहनान और रिधि कुमार। और राजा डेलुक्स पर मेन विलेन एफ्टर में है बाबा संजय दत्त। और देखा जाए तो प्रभास का फिल्म में जैसे हाई बजट का होता है राजा डेलुक्स फिल्म वैसा नहीं होगा, बल्कि इस फिल्म का बजट रखा गई है सिर्फ 100 करोड़। और काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्रभास ने इस फिल्म के लिए कोई सैलरी नहीं लेगा। हाँ दोस्तों, अगर फिल्म हिट होता है तो फिर प्रभास ने लेने वाले हैं प्रॉफिट शेयर। और देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे आइडिया है और राजा डेलुक्स फिल्म को 2024 पर रिलीज करने का प्लान है। नंबर 4 स्पिरिट, ये अपकमिंग एक्शन फिल्म है जिसको डेट करने वाले हैं कबीर सिंह का डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा ने और इसमें प्रभास को एक स्ट्रॉन्ग कॉप के रोल में नजर आएंगे। और इसमें प्रभास का होगा काफ़ी वायलेंट एफ्टर, जहाँ पर स्पिरिट सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा, क्योंकि इस फिल्म को हिंदी साउथ के साथ ही साथ कोरियन, मंडारियन और जापानीज भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। और स्पिरिट एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर प्रभास का काफ़ी वायलेंट लुक होगा। दूसरी तरफ एनिमल फिल्म का डायरेक्टर संदीप ने इसको डायरेक्ट करी है तो फिर हमको एक अलग इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगा। और ये फिल्म 2024 पर रिलीज करने का प्लान है। नंबर 5 रावणम, और अपकमिंग हिस्ट्रिकल वॉर फिल्म होगा जहाँ पर इसको डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील ने और उन्होंने ऑलवेज गैंगस्टर जॉनर का फिल्में बनाई है, पर पहली बार के लिए उन्होंने ये हिस्ट्री का फिल्म बनाएगा। यानी कि सालार की बात और एक बार प्रभास और प्रशांत का होगा कोलैबोरेशन और इसमें प्रभास को रवाना की रोल में नजर आएंगे और प्रभास को इस रोल में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और उधर दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अभी डिस्कशन स्टेज पे है और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं दिलराजू ने और इसका शूटिंग 2026 से स्टार्ट होगा। नंबर 6 हानू राघवापुदी का नेक्स्ट, और प्रभास ने नेक्स्ट हानू के साथ अपनी फिल्म में लॉन्च करेगा
जिन्हें इससे पहले सीता रामम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दिया है। और एक रोमांटिक जॉनर का फिल्म होगा और ये फिल्म माइटी मूवी मेकर्स के बैनर में बनाया जाएगा। और प्रभास को इस तरह का रोमांटिक एफ्टर में देखना वाकई ही दिलचस्प होगा। नंबर 7 विद सिद्धार्थ आनंद, जहाँ पर प्रभास ने डायरेक्टर सिद्धार्थ के साथ भी अपने अपकमिंग फिल्में लॉन्च करी है और एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट फिल्म होगा। पर अभी ये फिल्म होल्ड पे है क्योंकि एक्टर डायरेक्टर दोनों ही काफ़ी बिजी है अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर। जैसे प्रभास के हाथों में कई अपकमिंग फिल्म है, दूसरी तरफ डायरेक्टर सिद्धार्थ के हाथ में है फाइटर, टाइगर वर्सेस पठान जैसे बिगेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। नंबर 8 महाभारत, और सभी लोग जानते हैं कि ये है मोस्ट हाइप एपिक मैथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं राजामौली साहब ने, यानी कि और एक बार राजामौली के साथ प्रभास का कोलैबोरेशन होगा। और इसमें है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, प्रभास, थलेवर रजनीकांत, ऋतिक रोशन और दीपिका जैसे। फिल्म का बजट रखा गई है 1000 करोड़ और ऐसे करके पूरी इंडिया का सबसे बिग बजट वाला फिल्म होगा महाभारत। और पूरे फिल्म को टोटल 10 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और अनडाउटली ये फिल्म बनने वाले हैं इंडिया का नंबर 1 फिल्म। तो सो ये रहा रेविस्टर प्रभास का अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो सो इस लिस्ट पर कौन सी अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट पर बताइए। और आपको क्या लगता है इसमें से प्रभास का कौन सी फिल्म 1000 करोड़ क्लब पे अपने नाम लिखाएगा वो भी कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मलेशियन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।